जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्व में चैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज फिर हमारी पर्यावरण की कक्षा स्टार्ट होने वाली है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और सभी को वीडियो को शेयर भी करना है। इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए आप सेल्फ सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया है, और सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे चैनल का नाम दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ऊपर खुलेगी, ठीक है। तो आप पूरे के पूरे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। फेसबुक से जुड़ने के लिए आप सुमित जैन सर्च करें, ट्विटर से जुड़ने के लिए सुमित जैन, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। तो दोस्तों आज हम टॉप 45 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि वन लाइनर टेस्ट सीरीज पर आधारित होगी। एमपी टेट वाले, रीट वाले, CTET एग्जाम वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस प्रकार से सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें ऑल पर, है ना, बेल आइकन को दबा पर ऑल पर क्लिक करना है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तो आपको बताना है गोल्डमैन पुरस्कार किस हेतु दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा पर्यावरण सुरक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य हेतु गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है ग्रीन नोबेल के रूप में जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक दो, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, गोल्डमैन पुरस्कार। गोल्डमैन जो पुरस्कार है ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, ठीक है, याद रखना है। गोल्डमैन पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं, तो आपको बताना है प्रश्न क्रमांक तीन का उत्तर, गोल्डमैन पुरस्कार पाने वाले जो भारतीय हैं वो कौन कौन से भारतीय हैं। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेधा पाटकर, राशिदा वी, चंपा देवी, MC मेहता और रमेश अग्रवाल, ठीक है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से बताइए किसको गोल्डमैन पुरस्कार मिला है या फिर किसको किसको गोल्डमैन पुरस्कार नहीं मिला है। तो मेधा पाटकर, राजदावी, चंपा देवी, MC मेहता, रमेश अग्रवाल, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इन्हें गोल्डमैन पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, प्रश्न क्रमांक चार। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, ठीक है, ये जो है क्या किया जाता है, UNEP द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो कहां पर पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता बताना है आपको, प्रश्न क्रमांक पांच। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पश्चिमी घाट या फिर शांत घाटी में, ठीक है, कहां पर पाया जाता है, पश्चिमी घाट शांत घाटी में, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण शुद्धता का प्रतीक है, क्या है प्रतीक, प्रश्न क्रमांक छह। पर्यावरण शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना है प्रतीक माना जाता है इको मार्क, क्या माना जाता है, इको मार्क, ठीक है। अगला है खाद्य शुद्धता का प्रतीक है, तो खाद्य शुद्धता का प्रतीक क्या है, अभी हमने पर्यावरण शुद्धता का इको मार्क देखा, अब खाद्य शुद्धता का प्रतीक, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एग मार्क। खाद्य शुद्धता का जो प्रतीक है वो क्या है, एग मार्क, ठीक है। ABC प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है, ABC प्रोटोकॉल, प्रश्न क्रमांक आठ। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नागोया प्रोटोकॉल को ABC प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, ठीक है, नागोया प्रोटोकॉल को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान क्षेत्रीय केंद्र हैं तो कहां हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान के जो क्षेत्रीय केंद्र हैं वो कहां पर हैं, प्रश्न क्रमांक नौ का उत्तर राइट होगा कोलकाता में है, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई में, ये क्षेत्रीय केंद्र हैं। वैसे अगर बात करें राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां पर है, तब आपका उत्तर होता है कहां पर, नागपुर में, ठीक है, लेकिन इसके जो क्षेत्रीय केंद्र हैं वो कोलकाता में भी हैं, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाघों की गणना की जाती है,
कितने वर्ष में की जाती है? प्रश्न क्रमांक 10। तब आपका बिल्कुल सही आंसर कितना होगा? प्रत्येक चार वर्ष में बाघों की गणना की जाती है, ठीक है, प्रत्येक चार वर्ष में। अगला क्वेश्चन है, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बताना है आपको, प्रश्न क्रमांक 11। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा राजस्थान, ठीक है। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला जो देश राज्य है वो है राजस्थान। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित हुआ तो कब हुआ? झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब गठित हुआ? प्रश्न क्रमांक 12। और राइट आंसर होगा वर्ष 2009 में। कब हुआ? वर्ष 2009 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ तो कब हुआ? तब आपका बिल्कुल सही आंसर है 1974 में। कब हुआ? 1974। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, प्रश्न क्रमांक 15। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1985 में। कब किया गया? 1985। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1995 में किसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया? तो किसका नाम बदलकर कर दिया गया 1995 में? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का 1995 में नाम बदलकर कर दिया गया राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन का प्राधिकरण का गठन कब हुआ? प्रश्न क्रमांक 18। तब 18 का उत्तर होगा फरवरी 2009 में। कब किया गया? फरवरी 2009 में किया गया, ठीक है। किस पर्यावरणविद को जलपुरुष कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 19। किस पर्यावरणविद को जलपुरुष कहा जाता है? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र सिंह, ठीक है। राजेंद्र सिंह को जलपुरुष कहा जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में किसे लाया जाता है? तो किसे लाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 20। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्लोरीन को। क्लोरीन को प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया था। 21 कब आरंभ किया गया था? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1997 में, ठीक है। डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया 1997 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 22। राष्ट्रीय जलीय जीव बताना है तो कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा डॉल्फिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोषण का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है तो कहां स्थित है? प्रश्न क्रमांक 23। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कहां पर है? हैदराबाद में। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान है हैदराबाद। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 24। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है 25। विश्व तंबाकू निरोध दिवस, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 31 मई को। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निरोध दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है
तो कहाँ स्थित है? प्रश्न क्रमांक 26, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो कहां पर स्थित है? 26, 26 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है जोधपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट अवस्थित है, तो कहां पर अवस्थित है? प्रश्न क्रमांक 27, और 27 का आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। कहां पर अवस्थित है? नई दिल्ली। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जिस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है वह है? टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? 28, तो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण। ग्लोबल 5000 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ग्लोबल 5000 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो किस क्षेत्र में? राइट आंसर होगा पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 5000 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है तो कहां स्थित है? प्रश्न क्रमांक 30, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है, स्थित है कच्छ की खाड़ी में। कहां पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 31, तो राइट आंसर होगा प्राथमिक उत्पादकता। क्या कहा जाता है? प्राथमिक उत्पादकता। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है प्राथमिक उत्पादकता। अगला है, जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारिस्थितिकी संबंधों, पारिस्थितिकी संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। यह कथन किसका है? ये परिभाषा किसने दी है? जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारिस्थितिकी संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। ये प्रश्न क्रमांक 32 का जो उत्तर है वो अर्नेस्ट हैकेल, किसने कहा ये परिभाषा दी है? अर्नेस्ट हैकेल साहब ने। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी की संकल्पना प्रस्तावित की गई, तो उत्तर बताना है आपको, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी की संकल्पना प्रस्तावित की गई, उत्तर हो जाएगा वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा, 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी की संकल्पना प्रस्तावित की गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, घास स्थल वन तथा मरुस्थल उदाहरण है तो किस चीज के उदाहरण है? घास स्थल वन तथा मरुस्थल उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 34 का, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के घास स्थल तथा वन तथा मरुस्थल उदाहरण है तो किसके हैं? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के। पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र है, पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र है, तो वो तंत्र है सामुद्रिक। कौन सा तंत्र है? सामुद्रिक तंत्र है जो सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। भारत में पारिस्थितिकीय असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? प्रश्न क्रमांक 36, पारिस्थितिकीय असंतुलन का प्रमुख कारण आपको बताना है, और राइट आंसर आपको होगा वनोन्मूलन, ठीक है। वनोन्मूलन पारिस्थितिकीय असंतुलन का प्रमुख कारण माना जाता है। निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं तो कौन तोड़ते हैं? निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ते हैं कौन? 37 का आंसर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अपघटक। कौन तोड़ते हैं? अपघटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है कहे जाते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है वे पदार्थ क्या कहे जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 38,
और राइट आंसर होगा खाद्य पदार्थ। क्या कहे जाते हैं? खाद्य पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। वे खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है वह पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है उस पारिस्थितिक तंत्र का नाम बताना, प्रश्न क्रमांक 39। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तालाब। ठीक है, यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया, जल्दी से बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 40। तो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण का शत्रु या पर्यावरण का दुश्मन। ऐसा भी आता है कि पर्यावरण के दुश्मन किस वृक्ष को माना जाता है, तो वो माना जाता है यूकेलिप्टस को, है ना, क्योंकि इसकी जो है अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण इसे पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्थिर जल के आवास को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 41। स्थिर जल के आवास को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लेंटिक आवास। ठीक है, स्थिर जल के आवास को कहा जाता है लेंटिक आवास। अगला देख लेते, बहते जल के आवास को क्या कहा जाता है? बहते जल के आवास को, 42 का उत्तर, तो वो कहलाता है लोटिक आवास। ठीक है, बहते जल के आवास को लोटिक आवास कहा जाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रश्न क्रमांक 43। दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र है, सॉरी संक्रांति क्षेत्र है, उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 43। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इकोटोन। क्या कहा जाता है? इकोटोन। ठीक है, हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती है या फिर बढ़ती है। हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती है या बढ़ती है, 44 का उत्तर बताना है आपको। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? घटती है। हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा घटती है। वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, तो कब किया गया? वन संरक्षण अधिनियम, प्रश्न क्रमांक 45 का उत्तर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वर्ष 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हमने कितने प्रश्नों पर चर्चा की? 45 प्रश्नों पर चर्चा की। ठीक है, अब वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और भी वन लाइनर प्रश्नों की जो अपनी टेस्ट सीरीज है इसका मैंने स्पेशल वीडियो करके प्लेलिस्ट बनाई है। तो इसके पूर्व के जितने भी वीडियो हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है मैं पूरे के पूरे छांट छांट कर आप तक प्रेषित किए जा रहे हैं, है ना। इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, व्हाट्सएप पर भी ये व्हाट्सएप नंबर दिया है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ना है, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको PDF और स्टडी मटेरियल प्राप्त होता है, है? और ट्विटर पर भी आप जुड़ सकते हैं सुमित जैन सर्च करके, फेसबुक पर भी सर्च करके सुमित जैन। ठीक है, और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस जो वीडियो के नीचे आपका चैनल का नाम दिख रहा है इस पर क्लिक करो, क्लिक करोगे तो चैनल खुलेगा, ऊपर प्लेलिस्ट खुलेगी, प्लेलिस्ट पर क्लिक करना तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में पूरे के पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे एक साथ। वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।